टू माई चैनल। और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं कहीं, सरप्राइज पहुँच के बताएंगे। छोटा बाबू ही है, छोटा बाबू निकला है। सबने मास्क लगा रखा है भाई, सुरक्षा कवच। पति देव ये है, दिखा दिया। मुंह ढका है इसलिए चिल्लाए नहीं, वरना खोपड़ी खा लेते मेरी। चाइनीज बच्चा पीछे बैठा है, ये हेलो करो, मिला छोड़ना बाबू। सुबह के 10 बजे और हम लोग फटाफट से गांव के लिए निकल रहे हैं। गांव के लिए हमने कहा बता ही दें, आप हरियाली दिख रहे हैं। रोड पे सन्नाटा है, ज्यादा लोग नहीं है। ये आपको आम के पेड़ दिख रहे होंगे, बैक कैमरे से बनाते हैं बैक कैमरे। हाँ, अच्छा दिख रहा है। देखिए कितनी ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हरा हरा हरियाली। और रोड पे बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ लोग दिख रहे हैं। और आप सभी को हैप्पी बकरीद, जितने में मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, सबको बकरीद मुबारक। देखिए आम के बाग हैं, टावर। टावर नहीं है ये, मालूम क्या है, ये मैंगो हाउस। हाँ, मैंगो हाउस है इसके। ये मैंगो हाउस है, नए नए पेड़ पौधों पे किस तरीके से पेड़, अच्छे किस्म के पेड़ वगैरह डेवलप किए जाते हैं। हाँ तुम बोलते रहो, चल रहा है, इन्फॉर्मेशन दो। आज तुम बोल दो, ज्यादा अच्छा बोलो। चेक पोस्ट कहाँ है? चेक पोस्ट कहाँ? सामने देखो कि कितने कैमरा करता है, तो फोन में देख ही रहे हैं। अरे बाप रे, चेक पोस्ट कहाँ? अरे चेक पोस्ट भी कोई दिखाने की चीज़ है? सब डर जाएंगे। पिताजी का फोन होगा, उठा लो। बाबा का हेलो। और ये है पेट्रोल पंप, देखा आपने? ये पहली बार देखा होगा आपने पेट्रोल पंप। और ये ब्लू ब्लू क्या है ये बता दो? ये मैंगो, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, आप ये और पास आने दीजिए। तो यहाँ से शुरू होता है मलियाबाद जनपद। मलियाबाद जनपद नहीं है, और ये छोटा सा मंदिर लखनऊ का कस्बा जनपद लिखा था उस पे, मलियाबाद जनपद लिखा था भाई।
और ये वो इनको क्या बोलते हैं, आम्रपाली के गेस्ट हाउस, जो किराए पे मिलते हैं, इसको लोग परचेज भी कर सकते हैं आउटिंग के लिए, और फॉर्म हाउस छुट्टियों में आने के लिए बना के लाइन से काफी बने हैं, और ये अंदर से बहुत अच्छे बने हैं, कम स्पेस में बहुत अच्छे बने हैं। मैं इसके अंदर गई हूँ, जब अतुल की शादी थी उसने लिया था किराए पे। तो अरे ये अनुपम का रेस्टोरेंट तो निकल गया। ये आम्रपाली वाटर पार्क, बाग है आम की लाइन से। ये महुआ के पेड़ भी है इसमें, ये महुआ का पेड़ था, महुआ का पेड़ देखा है आपने, महुआ के पेड़ बहुत है इसमें। नर्सरी को कितना सजा रखा है, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करते हैं किसान। ये देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सब आम के पेड़ हैं, फूलों के भी हैं, आम के ज्यादा हैं। और ये आ गया चौराहा है, अच्छा चौराहे भी बड़ा सन्नाटा है इसलिए पता ही नहीं चल रहा है चौराहा, लग ही नहीं रहा है। और ये देखिए केले जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, देखिए 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 केला और सेब, नया फल आया है मार्केट में। आपकी दुकानें जरूर खुली रहती हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। हमारी कपड़े की शॉप बंद है बताइए, सैटरडे संडे हैं? कपड़ा जरूरी चीज थोड़ी है, शराब जरूरी चीज़। और शराब की दुकानें सारे दिन खुली हुई हैं, मतलब हद होती है इस चीज की, तब लोग नहीं निकलते हैं खरीदने, सरकार की जय हो, क्योंकि वहां से सरकार को पैसा ज्यादा मिलता है ना इसलिए। और ये आ गया हमारे गांव का मोड़, बस अब सिर्फ 5 मिनट में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। हाँ क्या, अच्छा ये खेत है, खेत और धान बोए हैं, धान भैंसे चर रही है, भैंसिया चर रही है। और ये आम के लगे हैं पेड़ छोटे छोटे,
धान बोया कटा सब, धान बोया कटा कहाँ है, अभी तो बड़े हो रहे हैं। ये देखिए हरियाली, क्या बात है, कितना सुंदर आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत कभी खूबसूरत जगह पर गए हैं। मतलब इसमें और अच्छा लग रहा है। वो गन्ने के खेत हैं बड़े बड़े वाले, ये क्या है, ये गन्ना है, ये भुट्टा होगा, भुट्टा 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 है, हाँ? चारा जानवरों, अच्छा जानवरों का चारा है, मुझे लगा भुट्टा है। ये बेवकूफ है, मुझे अब इतनी नॉलेज नहीं है हमको, लेकिन ये धान है, ये पता है हमको, ये अपना खेत है और ये हमारा खेत है, और ये ट्यूबवेल, ट्यूबवेल वाला, ये दुकान भी अपनी है। आज हम कितने दिनों बाद गांव आ रहे हैं, तो हमने वो बाउंड्री भी नहीं देखी। बेबो लोग तो आई थी, हाँ बेबो सुमी तो आई थी, हम ही नहीं आए, नहीं लेकिन बेबो ने देखा है, हमको लग रहा है। और यहाँ से हम मुड़ेंगे गांव के अंदर, चैन मुड़ गया है। और ये लड़का देखो गाय को भगा रहा है। मेरी मम्मी, मम्मी हेलो करो ऐसे ऐसे। कुछ बता रही थी मम्मी आप? उनको भी ये सब अच्छा, समझदार हो, कोई बड़ी हो, देखो मम्मी बहुत गलत बात है, बड़ा होता है घर का बच्चा वो इतनी सारी दूर बड़ा होता है, देखो ताऊ जी बड़े रहें, उनकी सारी जिम्मेदारी बड़े रहें। हेलो दादी 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 दोजी, ये मेरी अम्मा अम्मा अम्मा, मेरा आ रहा है यहाँ, नहीं साफ है, अम्मा मेरी अम्मा, मोरी अम्मा, अम्मा की बिटिया बोलो कुछ नहीं। और देखिए ये भुट्टे का पेड़ है, और ये देखिए मेरी गाड़ी है, और ये देखिए नीचे से कितना सुंदर लगता है, देखिए बटरफ्लाइज भी हैं, बहुत बड़े बड़े भुट्टे हैं, बहुत सख्त हैं ये, और ये देखिए फ्लावर्स का पेड़ भी है, वो देखिए फ्लावर्स, एक वाइट और एक येलो, कितना क्यूट लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, वो देखिए केले का पेड़ है उधर, और देखिए भैंसी चारा चर रही है, और ये देखिए भिंडी का पेड़, मैं दिखाती हूँ आपको, सब इतनी बड़ी भिंडी का पेड़ आपने देखा नहीं होगा, पास से आके दिखाओ, भिंडी का पेड़ इतना बड़ा आपने नहीं देखा होगा, देखिए यहाँ की खाद मिट्टी में जो असर है ना वो कहीं नहीं, और भिंडी भी निकली है, मम्मी ने तोड़ के रख ली है, और ये देखिए तरोई तरोई तरोई, इतनी बड़ी तरोई,
ये हमारे बाउंड्री के अंदर का ही सब है। और ये देखिए एक तार पे भी लटक रही है पतली, ये बनाने में अच्छी होगी, पतली पतली है। और ये दिखाई दे मिर्चे का पेड़, और ये बहुत तीखे हैं मिर्चे, देखिए मैं मम्मी ने भेजे थे मुझे बहुत सारे तोड़कर। और ये है शहतूत का पेड़, और इसमें बरैया बहुत सारी हैं, बरैया ने छत्ते लगा रखे हैं बहुत सारे, ऊपर दिख रही हैं। बेबो आ जाओ इधर काट लेगी, बेबो इधर आओ। और ये पापा ने भुट्टे भी लगा रखे हैं, भुट्टे देखे हमने, ये भुट्टे के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखो बहुत सारे सब में भुट्टे लगे हैं, वो भुट्टे पापा ने ज़्यादा ही लगाए। आओ और दिखाए, ये देखो इतने सारे भुट्टे लगे हुए हैं। पहले पापा ने बाउंड्री नहीं कराई थी, अब पूरी बाउंड्री करा ली है पापा ने। और ये गेट है, और ये आंवले का पेड़ है, ये देखिए। अरे जूती काट रही है, क्या काट रही है? जूती, सुमी को पसीना आ रहा है। सुमी बढ़िया है, हाँ बढ़िया बहुत है मालूम है। ये देखो बटरफ्लाई आ जाओ, देखो ये देखिए पेड़, नहीं केले का पेड़, और कितना बड़ा हो गया है, अभी इसमें फल नहीं आए हैं लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये रात की रानी देखिए कितनी खिली हुई है, बहुत मम्मी बता रही थी इसमें बहुत खुशबू आती है और बहुत सारी कलियां निकली हैं। और ये लौकी का पेड़ है, मतलब पौधा है। और ये देखो ये सेम का है, ये सेम का है, और ये मम्मी ने गुलाब लगवा रखे हैं। मम्मी पूजा पाठ बहुत करती है ना, ये सब पौधे पूजा के लिए है। छोटा सा निकला है, लगाया था मम्मी, मुझे यहाँ से भेजती हैं जब पापा आते हैं तो ये सब लेकर आते हैं मेरे लिए, अंबिया पुदीना। और ये बेला का है, इसमें कली आई है अभी फूल नहीं आए हैं। मिर्ची तो हमने दिखाई थी है ना, इसमें अंदर भी जो है एक बहुत बड़ी सी तरोई लटक रही है अंदर है वो, उधर है। ये अभी नया कूलर खरीदा गया है, पापा को बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे कूलर लगा तो बहुत ठंडी अच्छे से हवा आती होगी। पर ये सुन देवो को काट मर ले, नहीं काटेगी आज, कौवा आके बैठा है, कौवा बहुत चालाक होता है पता है, शैतान कौवा होता है। वो भी झांक रहा है, कह रहा ये कौन शैतानी कर रहा मेरे साथ ले कभी ले चोची कर ले पाची काट ले।
काट ले काट ले काट ले कौवे। तो डर नहीं रहा देखो, शैतान बहुत है। बहुत दिनों बाद मैंने इतनी पास से कौवा देखा है, उड़ गया। ये देखिए इसमें भुट्टे हो गए हैं बड़े बड़े, लेकिन अभी दाने बहुत अच्छे से पके नहीं हैं, तो इसलिए अभी नहीं तोड़ेंगे, पापा लेकर आएंगे बाद में। काफ़ी भुट्टे हैं देख सकते हैं आप, लेकिन मुझे पता है आज यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा, मैं बता नहीं सकती, जैसे मैं अपने फार्म हाउस पे आई हूँ। कितने बड़े बड़े आप, कम से कम 10 फीट के होंगे ये, है ना, 10 फीट से ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे। गांव के जो खाद मतलब मिट्टी होती है, उसमें खाद इतनी होती है, जैसे गोबर की खाद होती है, तो उसमें इतने बड़े बड़े पौधे उगते हैं, पूछिए मत। और ये देखिए पूरा इधर से ये पूरा भुट्टा ही लगा हुआ है। और ये है अनाज रखने का कमरा, इसमें पूरा अनाज रखा हुआ है, गेहूँ चावल जो भी रखा रहता है वो इसी में रखा रहता है। मेरी बेटी कैमरा इधर उधर कर रही है। अभी काफ़ी धूप है, थोड़ी शाम हो जाएगी फिर हम लोग घर वापस जाएंगे। चलो धूप बहुत है, मेरे इस मुँह पे धूप लग रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बंद कर दो, पिटाई कर देनी है। आ जाओ बंद करो, शैतानी कर रही है। देवो पीटू क्या, लगाएगी छापड़, बंद करो। पापा तो दिख नहीं रहे। ओके पापा गए, बंद कर दिया। नमस्ते नमस्ते। हम लोग जा रहे हैं वापस घर। डॉगी आ रहा है, पूछ रहा है कि अच्छा डॉगी है। हां मेरे से लूट किए जा रहा है। एसी ऑन करो वरना हम अभी शहीद हो जाएंगे। शहीद। और बारिश भी होने लगी। बारिश सही है, कोई नहीं। एकदम ये है हमारी बाग, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बाबा वाली बाग है ना, सबसे पुरानी, ये सबसे पुरानी वाली बाग है। हमारे पति देव ने इसमें बहुत शैतानियां की है ना, इसलिए इनको ज्यादा याद आ रहा। और ये हम लोगों का पूरा खेत है। अच्छा ये भी अच्छा, इसमें अब तो परिवार में बंटवारा हो गया, तो जो ये बुआई है ये हम लोगों का हिस्सा है, ये अपने परिवार में दूसरे को करा दूंगा। अच्छा ये देखो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, हाँ ये धान लगा है। हाँ इधर साइड वाला भी अपना है, इस तरफ है, इस तरफ है। फ्रेंड्स आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट।